हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कैसे करें। एग्जाम का बड़ा फियर है, बहुत डर लगता है हमको, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बाप रे, ऐसा कोई डरने की अब जरूरत नहीं होती। अगर हम पहले से वेल प्लान्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सो इट इज वेरी इजी टू फेस द एग्जाम। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं बहुत बहुत प्लानिंग से लड़ी हैं। चलते चलते एक डायरेक्शन में जाते थे, सडनली दे चेंज द डायरेक्शन, पूरा ट्रूप और पीछे से अटैक करता था। दुश्मन सोचता था कि वो सामने से आएंगे, वो वहां तैयारी करते थे और ये लोग पीछे से अटैक। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इफ योर प्लानिंग इज सॉलिड, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, तो आपकी सक्सेस 100% श्योर है। Your success is 100% sure. आपकी जो सफलता है वो निश्चित है। बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए प्लानिंग भी उतनी जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहिए। बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। समय जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे पावरफुल है दुनिया में। यही एक ऐसा फैक्टर है जिस पे किसी का बस नहीं चलता। नो अदर फैक्टर और नो अदर क्वांटिटी, नो अदर फोर्स, पावर, एनीथिंग कैन चेंज द टाइम। समय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अगर आप चाहोगे कि समय तेज हो जाए तो तेज नहीं होगा, समय रुक जाए तो नहीं रुकेगा। अपनी गति से, अपनी पेस से इट विल मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। घड़ी रोक देने से समय नहीं रुकता, ध्यान रखें। तो हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो समय को ध्यान में रख के करनी है। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन। इसीलिए वॉट आई हैव टू डू स्प्लिट द टाइम इंटू डिफरेंट सेगमेंट्स। एग्जाम जिस ईयर में होना है उससे 2 साल पहले, 2 years before your examination, what you have to do? 1 year before your examinations, what to do and what not to do? The main cause कि क्या करना है ये तो ठीक है, पर क्या नहीं करना है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। मानते हैं कई बार हम पता नहीं होता और ऐसे ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमको नहीं करनी। जब हम बाद में हमको ध्यान आता है कि अरे आई हैव डन द मिस्टेक, अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो मैं शायद और अच्छा कर सकता होता। मानते ना? सो क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। 2 years, 1 year, 6 months बिफोर योर एग्जामिनेशन, 2 months बिफोर योर एग्जामिनेशन, 1 week before your examination, 1 day before your examination, and at the last moment, अंतिम क्षणों में आपको क्या करना है और एग्जाम हॉल में क्या करना है ये भी आपको मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस लेक्चर टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये सारा मैटर किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये हमने और हमारी टीम ने एक एक्सपीरियंस से, अपनी पोटेंशियल से, अपने नॉलेज से, अपने टैलेंट से, सब ने बैठ करके डिस्कस करके ये स्पेशल लेक्चर प्रिपेयर किया है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सो बिल्कुल अटेंशन होकर के सुनेंगे, ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो नोट करना, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं,
अपने रजिस्टर में, या हम आपको जो नोट्स देंगे प्रोवाइड करेंगे वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, रेडी? नाउ कम टू फर्स्ट, 2 ईयर्स बिफोर योर एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षाओं के 2 साल पहले। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमको 2 साल पहले से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्यों इतना पहले? बिकॉज वी हैव सफिशियंट टाइम टू थिंक ओवर, टू प्लान, टू डिसाइड ऑल द फैक्टर्स। ये इसलिए हम 2 साल, जितने जल्दी आप तैयारी आरंभ करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अर्लियर यू विल स्टार्ट द मोर बेनिफिट यू हैव, राइट? सबसे पहले 2 साल पहले जब आप पहुंचेंगे, जैसे मेरे को किसी भी ईयर में एग्जाम देना है तो उसके 2 साल पहले जो आपका एग्जाम खत्म होगा, रिलैक्स होइए, देन थिंक। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट सेल्फ एनालिसिस। व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन और वट एवर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो एक पिछले परीक्षाएं होती हैं उसमें एक कट ऑफ डिसाइडेड होता है, जैसे 60% मिनिमम चाहिए। क्या मैं उस क्राइटेरिया को फिट हूँ? क्या मैं उसको एलिजिबल हूँ? माई एज, माई स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जिस प्रदेश में मैं रह रहा हूँ उसके लिए क्या उसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं? किस स्टेट से आप अपियर हो सकते हैं एग्जाम में? एज हो गया, डोमिसाइल हो गया, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स हो गए, ऑलराइट? और जो सब्जेक्ट्स मेरे क्वालिफाइंग एग्जाम में हैं वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सूटेबल है, वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गो टू IIT, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दे आर एसेंशियल। बायोलॉजी स्टूडेंट्स, इफ दे अपियर बाय फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। यदि आप लॉ में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स के या जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं या जो भी हैं वो कौन कौन से होंगे, ये जरूर आप पता कर लें सेल्फ एनालिसिस करके। सेकंड पॉइंट जो होता है, हर एक को ये मालूम है कि मेरी अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मेरे दिमाग का बल्ब कितने वाट की लाइट देता है, कितना चलता है। मैं 25 वाट का हूँ, 50 वाट हूँ, 60 वाट हूँ, 100 वाट हूँ, 500 वाट हूँ, 1000 वाट हूँ। हर एक को पता होता है ये कि मैं, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है। वेदर दिस इज सफिशियंट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने देखा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एक 7th, 8th, 9th में, पता 10th में मालूम पड़ता है 40-45 परसेंटेज मार्क्स होते हैं, एंड दे थॉट कि मैं सर IIT की तैयारी कैसे करूं, बुक्स ज़रा मेरे को बता दीजिए, मैं मेडिकल में जाना चाहता हूं सर कैसे। इतना टफ कंपटीशन है और आप उसके योग्य भी तो बनिए। इफ़ यू आर नॉट, आप बन जाए किसी तरह से, आप जोड़ तोड़ करके पहुँच भी गए मान लीजिए, तो क्या आप जस्टिस कर पाओगे हमारे देश के साथ? नहीं कर पाओगे। उस योग्य भी आप बनिए, उतना पोटेंशियल। सो हर एक को मालूम है कि मेरी अंदर मेरी क्षमता कितनी है, व्हाट इज द कैपेबिलिटी, मेरा मेंटल लेवल कितना है और मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। ये थिंक करिए, देन स्टार्ट प्रिपरेशन। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, बेटा जिद कर रहा है, मालूम है गुप्ता सर कि ये कर नहीं पाएगा, लेकिन उसकी इच्छा है, बाद में वो ये ना बोले कि आपने करने नहीं दिया, नहीं तो मैं कर लेता। इसीलिए स्टूडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ट्रू एनालिसिस अपनी पर्सनालिटी का ज़रूर करें कि आपको क्या करना है। देन उसके बाद में, व्हाट इज़ द मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर दैट एग्जामिनेशन, फॉर दैट प्रिपरेशन, उस एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत होती है?
इफ यू वॉन्ट टू गो टू कोचिंग, इफ यू वॉन्ट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, वहां आना, वहां जाना, रहना, राइट किसी दूसरे शहर आपको जाना पड़ जाए तो वहां की क्या फाइनेंशियल बर्डन होंगे, वो भी एनालिसिस कर लीजिए. एंड इन सब के लिए मेरे को सपोर्ट कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे कि रिलेटिव्स करेंगे कि मेरे टीचर मेरे को करेंगे सपोर्ट? कई टीचर्स फ्री गाइडेंस भी दे देते हैं कि भाई इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर फाइनेंशियली वीक. हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत एक कि हमारा जो ग्राउंड है वो स्पिरिचुअल है. सभी का ग्राउंड जो है वो स्पिरिचुअल है. हम लोग पुण्य कमाने में बहुत विश्वास करते हैं, तो कई एजेंसीज, कई एनजीओज, कई ऑर्गेनाइजेशंस पुअर एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और करना भी चाहिए. हम लोग सभी मीडियम क्लास फैमिली से आए हुए हैं, तो हमको भी किसी ने सपोर्ट किया, हमारे टीचर ने किया, हमारे पेरेंट्स ने किया, तभी हम आगे बढ़े. तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आगे इस चेन को बढ़ाना चाहिए. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढ लीजिए जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट, योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव यू द सपोर्ट. देन इतना सब करने के बाद कंसल्ट योर सीनियर्स. आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछो कि सर आपने इस लाइन को चूज क्यों किया, इसको चूज करने में क्या क्या फायदे हैं, क्या लॉस है, तैयारी कैसे की, कहां से की, कितना घंटे आप पढ़ते थे. ये आप सीनियर से, क्योंकि वो उस रास्ते से जा चुके हैं, उनको मालूम है कि रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा है, सरल है, कहां ऊंचाई है, कहां ढलान है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो ऑलवेज कंसल्ट योर सीनियर्स, देन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स. इंटरनेट से, अपने अभिभावकों से, मित्रों से उस एग्जाम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिए. ऑलराइट, देन वर्क आउट टू सर्च ऑल पॉसिबल स्टडी मटेरियल्स एंड गाइडेंस अवेलेबल. कहाँ कहाँ से मेरे को स्टडी मटेरियल मिलेगा, कौन सी बुक्स, कौन सी कोचिंग्स अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी तैयारी आपको करनी है. राइट, तो दिस इज गेटिंग स्टार्टेड, आरंभ करना. सेकंड पॉइंट इज क्रिएटिंग स्टडी प्लान. अब आप ये देखिए कि मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कितना टाइम लगेगा. ऑलराइट, व्हाट टू डू, हाउ मच टाइम आई हैव मेरे पास. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 साल का टाइम है, दीदी की एंगेजमेंट हो गई है, उसकी शादी होनी है. ऑलराइट, फादर का ट्रांसफर हो गया है, मेरे को वहां जाना पड़ेगा, तो 15 डेज टू 1 मंथ उसमें चला जाएगा. इन सब को माइनस करके व्हाट इज द इफेक्टिव टाइम यू हैव फॉर द प्रिपरेशन. अपने आप से पूछना है, क्या पूछना है. फर्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू नीड टू कवर. मेरे को इतने टाइम में कितने विषय कंप्लीट करने हैं. ये सब आप एक रजिस्टर में लिखते जाना, है ना. जब आप पूछोगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स, टोटल 3 सब्जेक्ट्स. हाउ डिफिकल्ट इज द सब्जेक्ट, उनकी प्रायोरिटीज डिफाइन कर दो. 1, 2, 3 सबसे टफ, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है. मैंने ये देखा है कई लोगों को मैथ्स टफ लगता है, किसी को कॉमर्स टफ लगता है, किसी को अकाउंट टफ लगते हैं, किसी को बायो टफ लगता है, किसी को केमिस्ट्री टफ लगता है. योर प्रेफरेंस. हाउ मच टाइम इज अवेलेबल, डू यू हैव एनी अदर प्रायोरिटीज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड. What is the format of the examination, like theory, multiple choice questions, etc. जो एग्जाम मैं दूंगा उसका फॉर्मेट क्या है, किस रूप में वो एग्जाम है, ऑनलाइन है, आजकल ऑनलाइन भी हो रहे ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी है, रीजनिंग है, वॉट एवर इट इज. हाउ इंपॉर्टेंट इज द एग्जाम, ये एग्जाम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है. मेरी लाइफ इससे डिसाइड होनी है कि ये जस्ट कैजुअल वे में मैं ले लूं, क्योंकि मैं तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं. फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वन, ये तो सेकंड एग्जाम है या थर्ड एग्जाम है, तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो भी ध्यान में रखिए. व्हाट इज योर परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द एग्जाम, जस्ट वॉन्ट टू पास,
विश टू बैग रिमार्केबल रैंक और वॉन्ट टू अ पोजिशन इन मैरिट। ये भी ध्यान रखिए कि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं कि अच्छी पोजिशन लाना चाहते हैं कि मैरिट में आना चाहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई लोग देखा मैंने, कई स्टूडेंट्स, अरे सर आई जस्ट वॉन्ट टू पास, मैं तो सिर्फ क्वालिफाई को, तो पापा पीछे पड़े हैं सर क्या करें, मम्मी बार बार कहती है एग्जाम दो एग्जाम दो, सर मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है सर, जस्ट पास हो जाऊं, और पास ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी? कई लोग एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, दूसरी बार देते हैं एग्जाम, नहीं सर आई वॉन्ट मेरिट, सर मेरे को मेरिट चाहिए, पिछली बार ये मिस्टेक हो गई थी, दैट्स वाई माई पोजिशन इज डाउन, मैं इस बार मेरिट में लाने के लिए एग्जाम देना चाहता हूं, बेटर रैंक के लिए देना चाहता हूं। सो योर प्रायोरिटीज, उस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स। सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स, मेरे को क्या क्या बुक्स लगेंगी, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है, नोट्स कहाँ से मेरे को इफेक्टिव उस एग्जाम के लिए। चूज द रेफरेंस बुक्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर लेवल, देन अप टू द एग्जाम लेवल। ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम अपने लेवल पे जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको ढूंढ लें, उनसे तैयारी करें। सेकेंड स्टेप में वी शुड गो फॉर एग्जाम लेवल, क्योंकि वो हमेशा टफ होता है, जो रिक्वायर्ड लेवल है डायरेक्ट उस पर आप जंप करोगे, उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे, इट मे पॉसिबल कि कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक से समझ में नहीं आए, आपका ध्यान हट जाए, आप सोचो अरे बेकार है एग्जाम देना। पहले हम अपने लेवल पे समझ लें कॉन्सेप्ट्स को, देन जंप फॉर हायर लेवल। ग्राउंड से टेरेस तक की हाइट ज्यादा है, मैं बीच में एक स्टेप, दो स्टेप, दस स्टेप ले लेता हूं, एक एक करके मैं चढ़ूंगा, इजीली पहुंच जाऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करूंगा, इट मे पॉसिबल कि आप गिर जाएं और चोट लग जाए। सो ये ध्यान में रखिए। फोर्थ वन इज सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग जाना कंपलसरी है क्या सर? इस इज नेसेसरी, ये जरूरी है क्या कोचिंग जाना? कोचिंग के बिना सर, उसने बिना कोचिंग के, देखिए क्या है, हम अपने आप को देखें कि हमको कौन सा मेथड सूट करता है। दूसरों के कहने पे बिल्कुल मत जाइए, कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करना, कोई जरूरी नहीं है कि हम सेल्फ स्टडी से ही करके निकलें। हम ये देखें कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है। इफ यू आर कैपेबल, डू योर सेल्फ स्टडी, एंड इफ यू आर नॉट कैपेबल, गो फॉर कोचिंग, इट इज मस्ट। छोटी मोटी घर की पूजा होती है, अगरबत्ती लगाना है, हम घर में कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं, दो चार मंत्र बोल लेते हैं, गायत्री मंत्र बोल लेते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जप कर लेते हैं, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कूर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ईश्वर को याद कर लिया। लेकिन अगर हमको बड़ी पूजा करनी है, उसका क्या विधि विधान है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीजें पूजा में लगती हैं कौन सी नहीं लगती हैं, किस दिशा में बैठना है, कौन से भगवान को बुलाना है, किन, ये सब नवग्रह क्या होते हैं, ऑलराइट, सबकी पूजा करनी होती है, तो उस वक्त फिर आपको एक अच्छे पंडित को बुलाना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि ये भी मैं कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। सेल्फ स्टडी छोटे मोटे एग्जाम तक अगर आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, स्कूल अभी तक तो नहीं की मैंने, ठीक है, लेकिन अगर कंपटीशन का लेवल ऑल नेशनल लेवल है, कंपटीशन का लेवल स्टेट लेवल है, तो माय सजेशन इज यू शुड गो फॉर प्रॉपर गाइडेंस। आपको एक अच्छे सलाहकार, अच्छे टीचर, अच्छी कोचिंग, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी चाहिए। या तो आपका घर में बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, जो इस फील्ड में हो, जा चुका हो, उससे गाइडेंस ले लें, इट इज ऑल्सो कोचिंग। नहीं तो प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस होती हैं, टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने
सिर्फ इसीलिए कि नहीं मैं अभी तक कोचिंग नहीं गया, मैं आगे क्यों जाऊं, ऐसा मत सोचें। अच्छे टीचर्स की पहचान करके और उनसे हेल्प लें। दूसरा, कोचिंग डिसाइड कैसे करें। बड़े बड़े एडवर्टाइज होते हैं कि हमारे यहाँ से ये 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमारे यहाँ से ये 400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये सिलेक्शन जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है वो कोचिंग डिसाइड करने का, ये हमेशा ध्यान रखिए। उस कोचिंग वालों से आप ये ज़रूर पूछना कि आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे और उसमें से कितने सिलेक्ट हुए और कितने सिलेक्ट नहीं हुए। भाई अगर सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो तो जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए भी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नॉन सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स, नॉन सिलेक्शन जिनका हुआ है, क्यों नहीं हुआ। अगर आप ये रेशियो डिसाइड करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कोचिंग कैसी है, वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये जरूर करना। रिजल्ट्स ऑथेंटिक हैं कि नहीं है ये जरूर पूछना। खाली न्यूज़पेपर में बड़े बड़े फुल पेज ऐड देख के या टीचर्स की टीम को देख करके, या ऑल्दो आई एम ऑल्सो अ टीचर, मेरी भी क्लासेस हैं, लेकिन मैं एकदम खरी खरी बात कहता हूं कि ये देख के ही आप कोचिंग डिसाइड करें। सिर्फ टीचर्स की फोटो या स्टूडेंट्स की फोटो या भीड़ देख के या सिलेक्शन देख के ना करें, दूसरे लोगों से भी पूछें कि आप उस कोचिंग में गए थे क्या, आपको कैसा लगा, पढ़ाते ठीक हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कि स्टार्टिंग में अच्छा करा के लास्ट में निकाल देते हैं, सब चीजें देख के डिसाइड करें। फिर मोड ऑफ कोचिंग क्या है, ये वीक में 6 डेज चल रही है, 3 डेज चल रही है, डेली है, संडे है कि सैटरडे, आजकल ऐसा भी है कि सैटरडे संडे होती हैं क्लासेस ओनली। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, सैटरडे संडे अपना 6-6 घंटे चले गए। तो ये मोड ऑफ कोचिंग भी डिसाइड करिए, कोचिंग कितनी दूर है, घर से कितनी दूर है, आपके शहर से कितने दूर है, ये सब डिसाइड करके फिर आप प्लान बनाइए। फिफ्थ इज अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन पैटर्न प्रॉपरली। प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप देखें कि पिछले एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस थे, उनका क्या स्टैंडर्ड था, उसका पैटर्न क्या था, तो आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इसकी हेल्प मिल जाएगी। ऑलवेज रिफर प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ऑल राइट, सो 2 ईयर बिफोर में आपको क्या क्या करना है, गेटिंग स्टार्टेड, सेल्फ एनालिसिस करना है, क्रिएटिंग स्टडी प्लान, देन सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग एंड अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन पैटर्न। वन ईयर बिफोर द एग्जामिनेशन, जिस साल आपकी एग्जाम होने वाली है उससे 1 साल पहले क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ प्लान, मेक श्योर ऑल ऑफ योर कोर्स मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड सो यू कैन फाइंड एंड फिल एनी गैप्स। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन will help you to get a better picture of the material that has to be covered and improve the flow of the study process. एक साल पहले आप अपने सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लीजिए और तैयारी शुरू करने की तैयारी कर दीजिए। Very important is first point, select a proper atmosphere for studying. पढ़ने के लिए सबसे पहले एक proper वातावरण, सही वातावरण का चयन कीजिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर को सिलेक्ट करिए। कैसे, जिस रूम में स्टडी करना चाहते हैं वो ठीक है कि नहीं, उसमें प्रॉपर लाइट है कि नहीं, प्रॉपर एयर है कि नहीं, डिस्टरबेंसेस तो नहीं हो रहे,
कभी ऐसा हो सकता है कि आप सामने टीवी चल रहा हो और आप बैठ करके फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो? नहीं। शोर हो रहा हो, पढ़ाई कर सकते हो? नहीं। शांत वातावरण हो, कूल एंड काम एटमॉस्फेयर हो, बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो तो भी हम नहीं पढ़ पाते, राइट? सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्ट अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर। स्टडी एटमॉस्फेयर हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैन एनीवन स्टडी वेल व्हाइल वॉचिंग टीवी? सो सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फील अ कंफर्टेबल, दैट इज वेयर यू फील रिलैक्स्ड एंड कैन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, एकाग्रता, ध्यान। जब भी हम पढ़ें या जो भी काम हम करें, हमारा ध्यान केवल उसमें रहे। अगर हमारा ध्यान भटकेगा, भटकने से सिली मिस्टेक्स होंगी, छोटी छोटी गलतियां होंगी और वो बड़ी भारी पड़ती हैं। छोटी छोटी गलतियां वो छोटी नहीं होती, वो बड़ी भारी होती हैं। एक बच्चे ने साल भर स्टडी करी, एग्ज़ाम में छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन गलत, और जिस बच्चे ने साल भर नहीं पढ़ा उससे भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ, दोनों एक ही लेवल पे आ गए। आपकी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। इसीलिए जब भी आप स्टडी करें, जब भी आप पढ़ें, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। फिर कब पढ़ें? ऐसा कोई रूल नहीं है कि मॉर्निंग में उठ के ही पढ़ना है। ये बेटर होता है हमेशा। साइंस भी कहती है कि अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ने से हमारे जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो बहुत अच्छा है और उस वक्त हमको अच्छे से याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। बट आजकल लाइट आने के बाद ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज आया है। इफ़ यू फील कि रात में स्टडी करना ज़्यादा अच्छा है, जब सब शांत हो जाए, कोई फ़ोन नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई घर में आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, शांत दिमाग से, शांत एटमॉस्फेयर में आप स्टडी करें। पढ़ रहे हैं और बार बार टेलीफोन आ रहा है, मेरा सजेशन है कि पढ़ते समय अपना मोबाइल ऑफ कर दें। कुछ नहीं होगा, स्विच ऑफ। क्योंकि जो लोग आपको फ़ोन करते हैं 95% वो अपने काम से करते हैं, 5% आपको आपके काम से करते हैं। इसलिए बंद कर दें कि भाई इस टाइम पे मैं स्टडी करता हूँ, स्ट्रिक्टली आप ऑफ कर दीजिए। अगर आप मोबाइल भी ऑन करोगे, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, इफेक्टिवनेस इन स्टडी वो नहीं आपको मिलेगी। सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट नाइट, दोनों वक्त आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं था, मेरे को रात को पढ़ना अच्छा लगता था, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक मैं जगता था, इससे ज़्यादा जगना नहीं। अगर जगें तो फिर उसके हिसाब से डॉक्टर से बात कर लें, दूध पिएं 2-2, 3-3 गिलास, अच्छा खाना खाएं, तब आप जगिए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अप टू 2 o'clock इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ पाएं 3-4 बजे तो और भी अच्छा है। नींद पूरी लेके फिर आप स्टडी करें। देन उसके बाद में डायरेक्शन, स्टडी की डायरेक्शन। ऐसा वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ फेस करके अगर आप बैठते हैं या पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप फेस करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई मैं ऐसा एक लेक्चर रेडी कर रहा हूँ कि हाउ टू स्टडी वेल, हाउ टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, तो डायरेक्शन या वास्तु क्या बोलती है? तो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप बैठेंगे डायरेक्शन में तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। सो ईस्ट वर्ड बैठना ज़्यादा बेनिफिशियल है। करेक्ट लाइटिंग, 1 ईयर बिफोर ये सब आपको डिसाइड करना है। जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लाइट प्रॉपर है कि नहीं, प्रकाश ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, आलोक ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आलोकित है कि नहीं वो एटमॉस्फेयर। जनरली राइट अपर साइड से अगर लाइट आती है, ये डायरेक्शन, सो ये सबसे अच्छी डायरेक्शन बोली जाती है, या राइट साइड से आने वाली लाइट अच्छी होती है। लेफ्ट से अगर लाइट आए वो जनरली अवॉइड करिए। सेकंड, आपके स्टडी
मटेरियल के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर मिनिमम 20 से 30 वाट की लाइट आना ही चाहिए। इस जगह 100 वाट का बल्ब लगाया आपने, लेकिन मेरे को लाइट वहां तक नहीं मिल रही है, तो आपको समझने में, मेमोराइज करने में दिक्कत आएगी। 100% ट्रू है ये। डिम लाइट में जो लोग पढ़ते हैं वो अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते। बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। सेकंड रीजन इज, कम लाइट में आप पढ़ोगे तो आईसाइट वीक हो जाएगी आपकी। आईसाइट वीक होने से प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर लाइटिंग की भी आप चेक कर लें, व्यवस्था कर लें। कलर ऑफ स्टडी रूम, जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं उसका कलर, वैसे तो यू कैन चूज द कलर ऑफ योर चॉइस, जो आपको अच्छा लगता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस लाइट येल्लो, क्रीम कलर मिलता जुलता, लाइट येल्लो और लाइट ब्लू, दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर स्टडी। स्टडी मेथोडोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक साल पहले अभी हम तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे साइंस के बच्चे फिजिक्स, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड की ज्यादा वैल्यू है, समझना और रिप्रोड्यूस करना। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रटने की ज्यादा वैल्यू है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना ज्यादा आना चाहिए। अकाउंट्स, प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए, उसको सुलझाते आना चाहिए। थिंकिंग, प्रोग्राम जो लोग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको थिंकिंग ज्यादा चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिसाइड द मेथडोलॉजी। सभी को पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कॉमर्स पढ़ने का मेथड अलग है, बायो पढ़ने का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है। प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल। सर मैं टाइम टेबल बनाता हूं, बस 3-4 दिन तक चलता है, उसके बाद वो चलता ही नहीं है, फेल हो जाता है, लेकिन बनाना जरूर है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप टाइम टेबल ना बनाएं। टाइम टेबल मोटा मोटी एक ये जरूर बनाइए कि कौन से सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है, टफ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, मीडियम वाले को मीडियम है, जो इजी लगता है उसको भी टाइम देना ज़रूर है। तो किस किस को कितना परसेंटेज टाइम अलॉट करना चाहिए, व्हाट द टाइम यू हैव अवेलेबल, डिवाइड परसेंटेज वाइज अकॉर्डिंगली। टफ सब्जेक्ट है 2 घंटा पढ़िए, मीडियम है रोज 1 घंटा पढ़िए, इजी है हाफ एन आवर में हो जाएगा काम। हेयर आर सम टिप्स टू फॉलो इन क्रिएटिंग योर स्टडी प्लान। बजट योर टाइम रियलिस्टिकली। जनरली आफ्टर 6 days इंटेंसिव स्टडी टेक 1 day फुल रेस्ट। 6 दिन लगातार अच्छे से पढ़िए और 1 दिन फुल रेस्ट करिए। हम तो वैसे भी नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे 6 दिन सर हम तो 2 दिन बाद ही पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर रेस्ट ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार पूरा स्टडी करिए 6 दिन, फिर 1 दिन रेस्ट करिए। मोबाइल को भी हम चार्जिंग पे लगाते हैं ना, उससे पहले आउटपुट लेते हैं, फिर उसको चार्ज करना ज़रूरी है। कोई अच्छी मूवी देख लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, राइट। एलोकेट द स्टडी टाइम into several manageable study sessions. Divide the course material into small segments and assign them to the study sessions. Each session should not be more than 1.5 hour to 2 hour. Study session 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच हो, इससे ज़्यादा ना हो। कितना ही interesting subject क्यों नहीं हो, science एक mental fatigue की जिक्र करती है कि मानसिक थकान, मन हमारा थक जाता है, एक ही चीज रिपीट रिपीट रिपीट, और फिर पढ़ाई सर महाबोर, सबसे बेकार काम है ये, पढ़ाई बनाई किसने, लेकिन बनी है तो पढ़ना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए पढ़ना स्टडी करना पड़ेगा। डू नॉट मेक द स्टडी सेशन टू लॉन्ग। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक लेना तो हम भूलते ही नहीं है वैसे भी सर। सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल फॉर द स्टडी सेशन। जो आप सेशन कर रहे हो उसमें सारे सब्जेक्ट बन जाएं और स्पेसिफिकली आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है।
prioritize to ensure that material weighted more heavily in the exam gets sufficient study time. Take into account your familiarity with the material and the difficult level. ये आपको पता होना चाहिए. Study session should have enough variety. Variety भी include करिए. Bio है, chemistry है, maths है, physics है. ये नहीं कि जो subject अच्छा लग रहा है उसी उसी को पढ़ रहे हैं, बाकी subject को हम देख नहीं रहे हैं. होता ये है कि जो subject tough है उससे हम दूर भागते हैं. थोड़ा सा दूर भागते हैं तो वो subject हमसे और दूर भागता है. फिर हम और दूर हो जाते हैं तो और मन नहीं लगता. और मन लगता तो हम उसको पढ़ना ही बंद कर देते हैं. ऐसा ना हो, रेगुलरली हर सब्जेक्ट को टच करिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट वाइल रीडिंग. पढ़ते समय निशान पेंसिल से ज़रूर लगाते चलिए कि क्या आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्या मिनिमम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप किया जा सकता है. नोट्स मेकिंग, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए. आजकल मार्केट में या कोचिंग सेंटर्स में या टीचर्स के पास आजकल रेडीमेड नोट्स मिलने लग गए हैं, तो अब हाथ से लिखने में टाइम वेस्ट ना किया जाए तो अच्छा है. थोड़े से पैसे दे करके वो नोट्स आप हायर कर लीजिए. बहुत सारा वर्क किया है टीचर्स ने, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसकी हेल्प ले लीजिए. पूरा लिख लिख के कॉपी भरना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलता. नेशनल लेवल के एग्जाम्स में ये नहीं चलता, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये नहीं चलता. इसलिए वो टाइम बचाइए मेमोराइज करने में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में उसका यूटिलाइज करिए. मेक शॉर्टकट टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज. यू मे ऑल्सो टैग अ वेल नोन थिंग फॉर मेमोराइजिंग. फॉर्मूले याद नहीं होते तो उनको याद करने के लिए टैगिंग की जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है. वो आप यूज़ करिए कि ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, इसको ऐसे मेमोराइज करना है, राइट? वो ज़रूर यूज़ करिए. डायग्राम्स, जो चीज़ हम सुनते हैं उससे बेटर है, जो चीज़ हम देखते हैं वो हमको याद हो जाती है. इसीलिए डायग्राम बनाइए, पिक्चराइजेशन करिए अपने कॉन्सेप्ट का और मेमोराइज करिए. सो वन ईयर बिफोर प्रिपरेशन में क्या क्या आपको याद करना है. फर्स्ट इज सिलेक्ट अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी. नंबर टू, करेक्ट लाइटिंग, कलर एंड स्टडी रूम, स्टडी मेथडोलॉजी, प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल एंड नोट्स मेकिंग एंड डायग्राम्स. एक साल पहले आपको ये सब करके तैयारी शुरू करनी है. नाउ कम टू 6 month बिफोर एग्जामिनेशन. परीक्षा के 6 महीने पहले आपको क्या चेक करना है. वेरी सिंपल, जिस प्रिपरेशन को आप कर रहे हो उसी को आप कर रहे हैं. ये चेक करिए कि यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट फर्स्ट. सेकंड, चेक इन द गिवन टाइम आर यू एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. आप निश्चित दिए गए समय में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं है, विथ रिवीजन. आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्या क्या छूटा है, क्या कंप्लीट करना बाकी है, ऑलराइट? और अब आपको और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए. इतनी तैयारी तो चल रही है, इसके अलावा और मेरे को क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए. दूसरा पॉइंट, वॉच नोटिफिकेशन. नवंबर दिसंबर तक आते आते बहुत सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस न्यूज़पेपर में या स्कूल्स में या मीडिया में आने लगते हैं. उनको वॉच करते रहिए. फॉर्म्स निकलेंगे, उनको फिलअप करना है. कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बोलते, सर हमको तो पता ही नहीं था, एग्ज़ाम की डेट निकल गई, हमको मालूम ही नहीं पड़ा. तो ये नहीं होना चाहिए. ये 6 month के बाद ये भी आप वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए. टू मंथ्स बिफोर 2 महीने पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है. फर्स्ट इज प्लान योर रिवीजन. कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए. रिवाइज करना, फिर से दोबारा एक बार स्टडी करना, उसकी आपको तैयारी अब
करनी चाहिए। रिवीजन कैसे करें, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप बेस्ड रिवीजन। एक अच्छा होता है एक छोटा सा ग्रुप बना लें 4-5 स्टूडेंट्स का, सब मिलकर के एक दूसरे से शेयर करें, पूछें, आंसर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये जरूर होता है कि ग्रुप जब आप स्टडी करते हैं तो कई बार पढ़ाई नहीं भी हो पाती, गप्पे हो रही हैं, किसी और टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, कई बार ये मेथोडोलॉजी फेल भी हो जाती है, पर इसका ध्यान रखें, सिंसियरली ग्रुप बना के रिविजन कर लें। सेकेंड इज प्रिपेयरिंग अंडर एग्जाम कंडीशंस, मिलिट्री स्टाइल। जो एग्जाम जिस पैटर्न का आ रहा है, होने वाला है, उसी एनवायरनमेंट की तैयारी करें, उसी एनवायरनमेंट में तैयारी करें। जैसे मिलिट्री में होता है, क्लास में पढ़ा दिया गन ऐसे चलाते हैं, बम ऐसे फेंकते हैं, ये ध्यान रखना है, कवर ऐसे करते हैं, राइट। फिर फील्ड में ले जा करके रियली शूटिंग कराई जाती है, रियल में बम फेंका जाता है, रियल में प्लेन से बम गिराए जाते हैं। हाँ, अभ्यास, नौसेना का अभ्यास होता है, थल सेना का अभ्यास होता है, वायुसेना का होता है, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करना। रियल में टाइम लिमिट लेके बैठिए, स्टॉप वॉच लेके बैठिए और क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे में उसी टाइप का एक सैंपल पेपर ले लीजिए और खत्म करिए। प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, खत्म करिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल के पेपर्स और मॉडल पेपर्स की स्टडी करना, उनको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना, ये आपको जरूर करना है। वन वीक बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम के एक हफ्ते पहले, फर्स्ट इज रिवीजन कार्ड्स। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स पॉकेट में रख लिए जाते हैं, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्मूलाज बार 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 याद करने के हिसाब से लिख लिए जाते हैं, निकाल निकाल करके उनको रीड करते रहिए एक हफ्ते पहले। सेकंड इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि साल भर आपने मेहनत की और फीवर आ गया, पेट दुखने लग गया, सिर दुखने लग गया, या और कोई जॉन्डिस टाइप कोई बीमारी हो गई तो आप एग्ज़ाम ठीक से ना दे पाएँ। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे तो साल भर आपको याद रखना है कि अच्छी हेल्थ रहे आपकी, ध्यान रखना है, परंतु एक वीक पहले से स्पेशल प्रिकॉशंस लेना चालू करिए। ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा घी, तला भुना खाना बंद, बहुत लो कैलोरी डाइट, पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी भी मत पीजिए, सफिशेंट, धूप में मत निकलें, ज़्यादा ठंड में ना निकलें, थोड़ा सा अपने आप को आपको केयर लेना चाहिए। सफिशेंट डाइट आप ले लें, पूरी नींद ले लें, 8 आवर्स की नींद सफिशेंट होती है, 7 to 8 आवर्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए और कम तो सोना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि 7 आवर्स से कम स्लीप ना लें पूरे साल भर, 7 आवर्स तक की स्लीप आपको ज़रूर लेनी है। रात का खाना कम खाएं, डिनर कम करिए, आधे पेट करिए, उससे आपकी जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तबीयत बहुत हल्की होगी, यू फील लाइट, ज़्यादा आपका दिमाग पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। हम भी यही करते थे कि स्टडी में रात का खाना बहुत लाइट सा सलाद या थोड़ा बहुत एक आध दो रोटी खा ली बस। शादी के रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज़, ये सब बिल्कुल ना के बराबर। लाइट खाएंगे, हल्की तबीयत रहेगी, इजीली आप थिंक कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। रिवीजन स्ट्रेस, तनाव इस समय बढ़ने लग जाएगा कि एक हफ्ता बचा है एग्ज़ाम के लिए, उसको कैसे दूर करें। जब अगर आपने टाइम टेबल ठीक बनाया है, चेकिंग आप करते चले आ रहे हैं, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, तनाव में आने की, स्ट्रेस में आने की कोई बात ही नहीं है। व्हाट इज़ स्ट्रेस?
स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इट इज डिफाइंड एज प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ. इनर स्ट्रेंथ ये मैथमेटिकल नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है. स्ट्रेस जो डेवलप होगा, तनाव जो होता है वो दबाव, पढ़ने का हमारे ऊपर कितना दबाव है और हमारी आंतरिक ताकत कितनी है उससे लड़ने की, आंतरिक शक्ति कितनी है. अगर हमारी आंतरिक शक्ति ज़्यादा है तो फिर टेंशन नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो टेंशन होगा, पर प्रेशर नहीं है तो भी टेंशन नहीं होगा. तो हमको इन दोनों फैक्टर को मैनेज करना है, ज़्यादा दबाव ना पड़े हम पे और हमारे इंटरनली वी शुड स्ट्रांग. नहीं, हमारी स्टडी है, हम बचपन से इतने एग्जाम देते आ रहे हैं, हमने कर ली है तैयारी अच्छे से, टेंशन की कोई बात नहीं है. चेक द टाइम टेबल ऑफ एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक वीक पहले आप किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है ये जरूर देख लें. मैंने देखा है कई, मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि मैं एग्जाम देने चला गया, वहां चला गया, देखा तो कोई नहीं आया था, हॉल खाली था. मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, देखा तो उस दिन एग्जाम ही नहीं था. कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जो सब्जेक्ट वो तैयार करके जाते हैं, पता चलता है पेपर किसी और सब्जेक्ट का दे दिया, टीचर को बोलते हैं अरे टीचर आपने गलत पेपर दे दिया, तो टीचर बोलती नहीं नहीं मैंने गलत नहीं दिया, तुमने गलत टाइम टेबल रीड कर लिया. तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल एक बार जरूर देख लें. बल्कि टाइम टेबल को अच्छे से लिख के आप अपनी स्टडी टेबल पे सामने चिपका दें, बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा तरीका है. वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम के एक दिन पहले. बहुत बहुत टेंशन है, नहीं 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 टेंशन की कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर वे में तैयारी करते आ रहे हैं तो थोड़ा टेंशन तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, होना भी चाहिए. अगर एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन ना हो, ये टेंशन की बात हो सकती है कि अरे कल एग्जाम है और आज टेंशन ही नहीं है, ये टेंशन होगा. लेकिन ये इट इज़ अ नेचुरल, कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है. स्टॉप स्ट्रेसिंग, ज़्यादा तनाव लेना अब बंद कर दें. साल भर आपने पढ़ाई की है, 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, जितनी स्टडी आपसे बन सकती थी आपने की है, ख़त्म. गेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्लीप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एग्जाम के पहले 7 to 8 hours की स्लीप जरूर लेके जाना, नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं, एग्जाम में दिमाग चलना बंद हो जाएगा, इट विल स्टॉप वर्किंग. ये मैंने भी फील किया है, मैंने कई स्टूडेंट्स को भी देखा है. एक स्टूडेंट 2-3 hours की स्लीप लेती थी, एग्जाम देती थी, नंबर कम हो गए, उसके फादर आए मेरे साथ, रियल बात है, मेरे साथ बैठे, बोले साहब इसके पहले बहुत अच्छे नंबर आते थे, अब नहीं आते. मैंने तुरंत पकड़ लिया, मैंने कहा कि टाइम टेबल बताओ अपना, सुबह उठने से लेकर के क्या 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 क्या, पकड़ में आ गया कि साहब ये जो है ये कम सोती है. मैंने सजेस्ट किया, उसने प्रॉपर स्लीप लेना स्टार्ट किया. फादर लाइट बंद कर देते थे, 11 के बाद बंद, पढ़ना ही नहीं. उसका IIT में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छे कॉलेज से उसने BTech किया और अभी वो बहुत बड़ी एक प्राइवेट कंपनी में CEO बन गई है. तो नींद बहुत इफेक्ट डाल सकती है, ये ध्यान रखिएगा. क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो दिमाग भी जो है आपका वो थक जाता है, तो ज़्यादा नींद आती है. एग्ज़ाम टाइम में जब हमको कम सोना चाहिए उस वक्त ज़्यादा नींद आती है, ये नेचुरल है, ये सभी के साथ होता है. क्योंकि आप मेंटल एक्सरसाइज भी तो बहुत कर रहे हो और एग्जाम खत्म हो जाता है, अपन सोचते हैं बहुत सोएंगे अब तो, फुल टाइम दिन भर सोएंगे, उस वक्त कम वक्त नींद ही नहीं आती है. हैं, होता है ना, क्योंकि आपने मेंटली स्ट्रेस है ही नहीं, तो थक ही नहीं है मन, नींद नहीं आती है. गेट इक्विप्ड, एक दिन पहले अपने सारे सामान, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं,
पेन पेंसिल्स शार्पनर रबर, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर स्केल, या जो जो चीज़ें आप एग्ज़ाम में ले जाने वाले हो उनको निकाल के अलग रख दो। बोर्ड्स भी कई बार ले जाने पड़ते हैं, क्लिप बोर्ड्स, उनको आप सेफली चेक करके इंक प्रॉपर डाल के पेंसिल शार्प करके सब रेडी कर दो। डबल चेक द टाइम एंड सब्जेक्ट एंड लोकेशन ऑफ योर एग्ज़ाम एक बार फिर। अब आप देखो कि एग्ज़ाम कौन सा है, कहाँ पर है, उसके टाइमिंग क्या हैं। ट्रेवल केयरफुली, जाते समय सावधानी रखिए, कहीं ऐसा ना हो गिर पड़े, चोट लग जाए। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस ठीक नहीं है, ये सत्य है, तो हमको ये केयर ज़रूर लेनी चाहिए। नाउ जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा के ठीक पहले हमको क्या क्या करना है ये हमको देखना है। जैसे एक एरोप्लेन या जेट प्लेन को फ्यूल कर दिया, रनवे पे वो दौड़ने लग गया, नाउ इट इज रेडी टू टेक ऑफ, वो अब ऊपर उठने वाला है, ये उसकी सिचुएशन है। स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अब सबसे पहला पॉइंट है कि परीक्षा के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टडी करना पड़ेगा। जो हमने नोट्स बनाए थे वो हमको डिटेल में एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। वी हैव टू रिवाइज ऑल द नोट्स विच वी प्रिपेयर्ड अर्लियर। यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आप रिफर कर रहे थे तो जब जो जो आपके पास में मटेरियल या नॉलेज इकट्ठी हुई थी, अंडरलाइन आपने किया था, वो आपको डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पॉर्टेंट प्रूफ, यदि आप थ्योरी एग्जाम देने जा रहे हो तो, और ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हो तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड जो क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हैं उन्हीं को आप रिवाइज करेंगे। कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया सब्जेक्ट, कोई भी नया, कोई भी कुछ भी नया नहीं करेंगे एग्जाम के जस्ट पहले। डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ न्यू स्टडी। रिमेंबर, ये मत सोचो कि इतना हो गया है तो अब मैं आगे का और कर लूँ तो और नया कॉन्सेप्ट, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहिए। जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवाइज कर लेना चाहिए। रिवाइजिंग विथ समरी नोट्स, जो हमने बनाए हुए थे उससे हमको रिवाइज करना है। और इस टाइम पर अगर आप जोर जोर से बोल करके अगर मेमोराइज करें, न 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 करते ना, वो इस वक्त बड़ा काम का होता है। जब आप अलाउड तेजी में बोलेंगे तो वो आपके दिमाग में अंदर तक जाएगा, अंदर तक जाएगा तो आपका एक सेंस, फोर्थ सेंस डेवलप हो जाएगा, राइट। वो आपको मेमोराइज करने के लिए, रटना जिसको कहते हैं, जितना समझना था, इवन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, इन बायो, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, इन अकाउंट्स, एनी थोड़ा सा एक रटने का एक जो कॉन्सेप्ट है, मेमोराइज करने का, वो यहाँ पे वर्क करता है। सो रिवाइज विथ समरी नोट्स एंड देन मेमोराइजिंग विथ फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड साइज के छोटे छोटे स्लिप्स या इंडेक्स कार्ड भी इनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, उनसे हम अब मेमोराइज करें उनको निकाल निकाल करके। एक दो बार 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 आप रिवाइज करोगे अपने आप आपको याद होने लग जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन डे, परीक्षा के दिन आपको अब क्या करना है। ऑलराइट, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड बिफोर द एग्ज़ाम। अब आपका जितना प्रिपरेशन आपकी होनी थी हो चुकी है, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, सारा स्ट्रेस रिलीफ करिए, टेंशन में मत आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेंशन में आने से, तनाव लेने से हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो ज़रूर लीजिए, तो ज़रूर करो टेंशन। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नो, टेंशन में आने से बात बिगड़ती है, जितना हम परफॉर्म कर सकते थे उससे हम कम लेवल पे आ जाएंगे,
तो अकॉर्डिंग टू मी टेंशन नहीं लेना चाहिए. ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट इज ईट लाइट ब्रेकफास्ट. जिस दिन एग्जाम देने जाना है 8 बजे का 10 बजे का जो भी आपका टाइम होता है, हल्का फुल्का नाश्ता जरूर करिए. ऑयल फ्री, घी फ्री, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चिली, मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची मत, तीखा मत खाइए. एक नॉर्मल लाइट ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा होता है. बनाना, केला लेना, एक केला, उससे क्या है स्लो एनर्जी रिलीज होती है. पराठे बिल्कुल मत लीजिए, आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि बड़े हैवी होते हैं, उसमें बटर लगा देते हैं तो और हैवी हो जाते हैं, डाउजीनेस हो जाती है, नींद आती है. इनहेरेंटली व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीजेस, माइंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस. व्हेन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, माइंड एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस. ये हमेशा ध्यान रखिए. प्रॉपर नींद लेके आप गए हैं और हल्का नाश्ता करके जाइए. नाश्ते को बंद भी मत करिए कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट जरूर ले लीजिए. नॉट अ ह्यूज वन और एल्स इट वुड मेक यू स्लीपी ड्यूरिंग द टेस्ट. अ बाउल ऑफ सेरिल, अ बनाना, टोस्ट एंड सम जूस विल डू द ट्रिक. देन इन केस एग्जामिनेशन आपका 2 सेशन में है, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन, सो टिफिन लेकर के जरूर जाइए. बीच में जो ब्रेक बनेगा, इन दैट ब्रेक यू कैन ईट. उस ब्रेक में आप थोड़ा सा अपना नाश्ता कर सकते हैं, लाइट स्नैक्स. अगेन ऑयल एंड घी अलाउड नहीं है, ध्यान रखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हल्का खाना खा के जाइए, सिंपल. ड्रिंक्स, चॉकलेट्स भी आप ले जा सकते हो. बच्चे तो बड़े खुश हो जाओगे आप लोग, है ना. चॉकलेट वॉकलेट भी लेके जा सकते हैं, इसमें कुछ ड्रिंक्स ले जा सकते हैं, कोई जूस ले जा सकते हैं. देन ईट कर्ड एंड सुगर. कर्ड मतलब दही और शक्कर. एक्चुअली में ये हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स जिसको हम कहते हैं ये चले आ रहे हैं. मेरे को याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो हमारी माँ या दादी घर में थी तो वो दही और शक्कर मिला करके हमको एक कटोरी ज़रूर दे देती थी कि ये खा के चले जाओ. अब उसको साइंस भी ये बोलता है कि जो स्वीट्स होते हैं, शुगर इंक्रीजेस सेराटोनिन, इट इज मेक्स यू हैप्पी. ये जो एक केमिकल है स्वीट्स में पाया जाता है, मिठाई में पाया जाता है, खुशी के मौके पर मिठाई ही क्यों बांटते हैं बताओ? व्हाट इज द रीजन? नमकीन क्यों नहीं बांटते कि आज पप्पू पास हो गया तो ये लो, कुछ मीठा हो जाए. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज शुगर कंटेंट जितने भी होते हैं दे रिलीज सेराटोनिन. ये जो एंजाइम है, ये जो केमिकल है, इट मेक्स यू हैप्पी. इससे बॉडी के अंदर डिप्रेशन दूर होता है. ये जो एंजाइम है ये हैप्पीनेस, मेमोरी एंड अलर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमारे ब्रेन के 40 मिलियन जो ब्लड सेल्स हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है. नॉट इन एग्जामिनेशन, जब कभी भी आपको डिप्रेशन लगे कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट खा लीजिए या कुछ मिठाई खा लीजिए. और अच्छा, एक जो बंगाली स्वीट्स आते हैं छेने के जो बनते हैं वो सबसे अच्छे हैं. वो हैवी भी नहीं होते हैं एंड दे एक्ट एज मेडिसिन फॉर द बॉडी. ये याद रखिए, छेने की मिठाई आती है ना, छेने के रसगुल्ले वाइट वाले पैक में भी आते हैं जिसको बंगाली मिठाई बोलते हैं. ये फैट फ्री भी होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होती है एंड इट मेक्स यू हैप्पी. सो सेरोटोनिन एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर, अ टाइप ऑफ केमिकल दैट हेल्प्स रिले सिग्नल्स फ्रॉम वन एरिया ऑफ द ब्रेन टू अनदर. कम्युनिकेशन, सोचने की शक्ति को ये बढ़ा देते हैं. 40 मिलियन ब्रेन सेल्स आर कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सेरोटोनिन, लाइक स्लीप, मेमोरी एंड लर्निंग. राइट,
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉर्निंग में लाइट एक्सरसाइज जरूर करना। इससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। लाइट एक्सरसाइज विल इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, योर परफॉर्मेंस विल बी इंप्रूव्ड। इंप्रूव होगी इससे परफॉर्मेंस आपकी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। जो लोग योग योग कर सकते हैं वो योग कर लें, ऑलराइट। ये लाइट एक्सरसाइज, इन केस अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, ध्यान चुपचाप बैठ जाते हैं शांत क्षेत्र में, एरिया में, और इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपना सारा ध्यान इधर उधर से हटा के यहाँ पे लाया जाता है, और 15 मिनट 20 मिनट इसी अवस्था में बैठिए, सोना नहीं नहीं तो सो जाते हैं, बोले साहब डीप योगा हम कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन इट इज कॉल्ड, सोना नहीं, सिंपल ध्यान करना है आपको। ये भी एक इफेक्टिव वे होता है, बल्कि मेडिटेशन तो आप रोज के हैबिट में भी ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट तो करते हैं हम लोग, पर पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, बस क्या करें सर। नेक्स्ट इज लास्ट मिनट रिवीजन, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, वो तो सभी करते हैं, लास्ट लास्ट तक देखते हैं कुछ छूट ना जाए, कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए, ऑलराइट, पर उसके भरोसे नहीं रहना है आपको, एक बार रिवाइज लास्ट में फ्लैश कार्ड्स या अपने नोट्स इंपॉर्टेंट रिवाइज करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन यू, ईश्वर पे आस्था रखिए। आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, शिव को मानते हैं, बालाजी भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, है ना, अपने माता पिता गुरु के ऊपर आपकी श्रद्धा है, उनका ध्यान करके, है ना, उनका हृदय में ध्यान करके, उनके ऊपर विश्वास करके, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को अच्छा परफॉर्म करने की शक्ति दे, मेरा काम ना बिगड़े, मेरे को सही समय पर सही फॉर्मूले सही कॉन्सेप्ट याद आ जाएं। ये एक एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये वर्क करता है, ये मैंने देखा है, इट वर्क्स। जब भी आप मुसीबत में हों या कोई आपको ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके पहले आपको अपने पुण्य बैंक में, अकाउंट में डिपॉजिट ज़रूर करना है। डेली जो हम अगरबत्ती लगाते हैं, ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होने लग जाता है, और जब ज़रूरत होती है हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं तो दर दर। कब आता है वापस पैसा? जब आपने पहले जमा किया हुआ हो, जब आपने पहले जमा किया हो तब ये वापस मिलेगा। आपने जमा नहीं किया हो और आपने एटीएम कार्ड डाल दिया तो वो रिग्रेट ट्रांजैक्शन कर देगा, सॉरी। ईश्वर पे विश्वास जरूर करके चलिए। नाउ अब हम एग्जाम हॉल में एंटर कर गए। ड्यूरिंग द एग्जाम व्हाट टू डू, क्या क्या करना चाहिए परीक्षा के समय। फर्स्ट इज रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन क्वेश्चन पेपर केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप कितने इंटेलिजेंट हो, सब कुछ आपको आता है, वेरी मच कॉन्फिडेंट, लेकिन एक बार जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको रीड जरूर करना चाहिए। मेट भी कुछ कॉन्सेप्ट बदल गया हो, कोई नया सिलेबस आ गया हो, कोई नई पैटर्न आ गई हो, क्वेश्चन कहां से कहां तक सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, ये सब इंस्ट्रक्शंस जरूर रीड करिए ध्यान से। कई केसेस ऐसे हुए हैं कि इंस्ट्रक्शंस बिना रीड किए करने लग जाते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है कि मेरे नंबर कम हो गए। फिल द एंट्रीज इन आंसर शीट, योर रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम एंड कोड एटसेट्रा। जो भी एंट्रीज हैं उनको आप पहले से भर करके रख लें, करना तो है ही। देखिए जो काम करना ही है वो आप पहले से कर लो। इफ यू हैव टू डू द वर्क प्रिपेयर अर्ली, उसकी आप तैयारी पहले से करिए, ऑलराइट। ये नहीं कि एट द 11th आवर लास्ट में अपन केयरलेसनेस शो कर रहे हैं, नहीं। सारे एंट्रीज, रोल नंबर, नेम, जो जो है पहले से आप भर के रखिए। ओवरव्यू द होल पेपर बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, एक बार सारे पेपर को पलट के, 2 मिनट लगते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, कहां कहां के हैं, एक बार लास्ट तक उसको
ओवर व्यू जरूर करिए, इवन कोई भी काम करने के पहले जस्ट ओवर व्यू इट, एक बार आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। हम कितने टाइप से आंसर करते हैं या हमको कैसे आंसर करना चाहिए टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए एग्जाम में हमको कैसे आंसर करने चाहिए। फ्यू स्ट्रेटजीज जो इंपॉर्टेंट हैं, देखिए आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मार्किंग, आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग बी केयरफुल, आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस फॉर विच यू आर कॉन्फिडेंट, अबाउट विच यू आर कॉन्फिडेंट वही आंसर आपको करने हैं। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे आंसर्स कर डालिए, मार्क कर दीजिए, परंतु अगर नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा केयरफुल जरूर रहिए, केवल उन्हीं आंसर्स को मार्क करिए जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। इन थ्योरी एग्जाम्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे आंसर आप कर सकते हैं थ्योरी में, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। गो टू द क्वेश्चंस विद द मोस्ट मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो ज्यादा मार्क्स के हैं, राइट, बिकॉज इन केस वन केस इज देयर कि लास्ट में टाइम कम पड़ गया, इन दैट कंडीशन आपका लॉस ज्यादा ना हो, डैमेज मिनिमम हो, सो फर्स्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विच कंटेन्स हायर मार्क्स, देन गो टू लोअर मार्क्स क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए, रीड वंस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आंसर इट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रीड वंस अगेन, एक बार और उसको पढ़िए और अब अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आंसर करिए, और नहीं तो थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बेटर हो सकता है बाद में कुछ इजी क्वेश्चंस मिल जाएं, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था एक बार, मैं स्टार्ट किया और 90 तक पहुंचा, टाइम वेस्ट हो गया मेरा दो चार पांच क्वेश्चंस में, बाद में देखा आखिरी के 10 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, थ्योरी क्वेश्चंस थे, 2 मिनट में हो जाते। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, एक बार एंड तक चले जाइए, टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा उसको सर्किल कर दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस टाइम वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है आंसर में भी आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। ऑलराइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इफ यू नो द आंसर मार्क इट, यदि आपको आंसर मालूम है उस पर निशान लगा दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं भी मालूम है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसमें एक फायदा क्या है, आपको क्वेश्चन भी वो देते हैं और आंसर्स भी वो दे देते हैं, आपको तो सिर्फ छाटना है, यू हैव टू सेपरेट द करेक्ट आंसर ओनली, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ओनली 1 इज करेक्ट, आउट ऑफ 5 ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, और इन सम एग्जाम्स 2 और मोर आर करेक्ट, सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी इसमें वर्क करती है। कैसे, If you are confident that this is not the answer, cut it. यदि आप confident हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि ये answer तो नहीं है, उस पर cross कर दीजिए, ये भी answer नहीं है, उस पर cross करिए, now 2 बज गए, now work on the 2 questions. इससे भी हम answer, अगर हमको ये पता चला कि ये 3 तो हो ही नहीं सकते, तो definitely 4th one is correct, although you don't know the correct answer. The process of elimination also works in multiple choice questions. In theory questions, neatness counts. Clear likhiye. If there is a diagram, diagram zarur banaiye. Well labeled diagram. Jisme har labeling correct ho, achhe se ho. Right? Usko zarur aap bana lijiye. If multiple choice questions mein answer sheet is provided, जो उसके सर्किल्स होते हैं उसको कंप्लीट फिल करना मत भूलना,
कई बार ऐसा होता है उसको लाइटली फिल कर देते हैं. इफ दे मेंशनड फिल विथ HB पेंसिल, यू शुड यूज HB पेंसिल, बिकॉज ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्क रीडर, उसमें से लाइट पास नहीं होती वो आंसर वो काउंट करता है, जिसमें से लाइट पास हो जाती है वो उसको नील कर देता है. सो इफ यू हैव नॉट फिल द करेक्ट सर्किल, सो हो सकता है उसमें से लाइट पास हो जाए और आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं हो. इसीलिए फिल द ऑल करेक्ट सर्किल्स विथ करेक्ट पेंसिल एंड विथ करेक्ट मेथड. देन अलाउ टाइम टू डबल चेक योर आंसर्स. इतना टाइम मार्जिन लेके करिए, स्लो स्लो नहीं, स्पीड से चलिए कि आपको एक बार दोबारा अपने आंसर्स देखने का मौका जरूर मिले. क्योंकि एक बार टेंशन में, जल्दबाजी में हम हो सकता है गलत कर गए हों, आते हुए गलत कर गए हों, सो एक बार रिवाइज डबल चेक जरूर करना चाहिए. कंप्लीटिंग द एग्जाम, जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा आप अपने आंसर शीट को चेक कर लीजिए, फिलिंग है, सारे एंट्रीज हैं, केयरफुली इनविजिलेटर को हैंड ओवर कर दीजिए, ठंडा पानी पीजिए और बाहर आ जाइए. फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग्स. पेपर डिस्कस करते हैं एग्जाम के बाद में, ये कॉमन एक टेंडेंसी है, तेरा कैसा गया, अरे तेरा कैसा गया, अरे मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो वो छूट गया. ठीक है, इट इज़ ओके, डिस्कस कर ले, लेकिन उसको बहुत डीपली इशू मत बनाइए. जो हो गया सो हो गया, अब अगले पेपर की तैयारी करें या फॉरगेट अबाउट इट. जो करना था वो कर चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिए. जब टाइम था 2 साल पहले से आपको मालूम था कि हमको एग्जाम देना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर. आपने नहीं प्रिपेयर किया, इट इज योर मिस्टेक. देन आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम कुछ बचा ही नहीं, नथिंग. बढ़िया सोइए जाके घर, चैन की नींद लीजिए, बहुत नींद आएगी, सो जाइए, रेस्ट करिए और अगला एग्जाम है तो उसकी तैयारी करिए, नहीं तो फॉरगेट अबाउट इट. पेपर डिस्कशन करने में थोड़ा बहुत ठीक है, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया. माई सेल्फ, मैंने कभी भी एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस नहीं किया, फॉरगेट इट. हो गया जो हो गया, अब रिजल्ट है जो कुछ भी है. गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हमारा जो वश है वो काम करने पर है, कर्म करने पर है. तैयारी जब करनी थी अच्छे से करिए, रिजल्ट क्या आएगा कह नहीं सकते. बल्कि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अटेम्प्ट किया है 70 मार्क्स का और मेरे को 95 मिल गए. कई बार हुआ ऐसा कि अटेम्प्ट कम होता था या मेरे को लगता था कि इतने मिलने चाहिए और ज़्यादा मिल जाते थे. मेरे को कम नंबर कभी नहीं मिले. मैथमेटिक्स में 100 out of 100, एक बार 97 मिले थे तो टीचर से झगड़ा हो गया था भयंकर कि 3 नंबर क्यों काटे उन्होंने. सिर्फ इट इंडिकेट्स दैट उस पे 3 नंबर काट दिए थे. सो जब तक आपको वर्क करना है, यू हैव द टाइम, डू इट. आफ्टर द एग्जाम फॉरगेट इट, जो आएगा रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा. देन उसके बाद में दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर मत करिए. कई बार ऐसा होता है कि गप मार देते हैं अपने को सेफ करने के लिए, नहीं मैंने तो सर पूरा कर लिया था, मार्क्स नहीं मिले, मैंने तो इतने आंसर किए थे, मेरे को कम नंबर दिए गए. ऐसा कुछ होता नहीं है, आई डोंट थिंक. जितने आप करोगे उतने नंबर अच्छे से मिल जाते हैं, राइट. नाउ फ्यू टिप्स आर देयर फॉर पेरेंट्स ऑल्सो. अभिभावकों के लिए भी कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वैसे तो बड़े वो समझदार होते हैं सभी लोग, लेकिन जो एक टीचर ने ऑब्जर्व किए हैं, मैं पेरेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, सो दोनों में क्या क्या सोच है और क्या अंतर है वो मैं आपको बस बताना चाहूँगा. वेरी फर्स्ट इज, डू नॉट अप्लाई प्रेशर, डू नॉट प्रेशराइज योर वार्ड. अपने बच्चे को, अपने वार्ड को, विद्यार्थी को दबाव में मत डालिए. उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट, उनको काम करने दीजिए. हम कई बार, अरे उनके बेटे ने तो इतने नंबर लाए, तुमसे नहीं हुआ, और उसको उसके ऊपर प्रेशर मत. हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक नेचुरल कैपेबिलिटी है.
कोई इंजन 100 cc का है और कोई 1400 cc का है, कोई 60 cc का इंजन है, तो 60 cc की मोपेड जो है वो अपनी रफ्तार से चलेगी, 100 cc की बाइक अपनी रफ्तार से चलेगी, और 1400 cc कार का इंजन वो इतने सारे पैसेंजर्स को अपनी रफ्तार से चलेगा। आप चाहें कि 60 cc से आप 100 cc का काम ले लें जबरदस्ती उसको टोंच टोंच के और प्रेशराइज करके, तो ये गलत है। हाँ, ये भी जरूर है कि आप उस पर वॉच जरूर करें, कहीं इधर उधर डाइवर्ट ना हो, वेस्ट ना करे टाइम, अच्छे फ्रेंड्स में जाए आए, ये जरूर वॉच करें, लेकिन पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए। ठीक है, जो नेचुरल है वो आजकल तो इतने इतने स्ट्रीम्स हैं, इतनी लाइंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ कर ही लेता है, अच्छा ही कर लेता है। सेकेंड इज डू नॉट ब्लेम योर वार्ड। अपने बच्चे को बार 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 दोषी मत ठहराइए कि हम तो ऐसा करते थे, हमारे फादर तो बोलते थे, तो हम तुम क्यों नहीं करते हो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा मत करिए, उसको ब्लेम मत करिए, तुमने ये नहीं किया, तुमको सुबह नहीं उठते बनता, तुमको रात को जगते नहीं बनता, पढ़ाई में मन लगता, ज़्यादा टीवी देखते हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है। टीवी भाई आप क्या करिए, टीवी घर से ही हटा दीजिए ना, आप भी मत देखिए, पेरेंट्स भी ना देखें, 2-3 साल की बात है, क्या आता है टीवी में, जब 25-30 साल पहले टीवी नहीं था तब भी जिंदगी चलती थी। तो इफ यू वॉन्ट कि आप तो देखें पर आपका बच्चा ना देखे, ये गलत है। सेक्रीफाइस आप भी करिए, आप भी टीवी घर से हटा दीजिए। मैंने कई पेरेंट्स को बोला और उन्होंने ये किया भी, उन्होंने 2 साल के लिए टीवी को बाय बाय कर दिया, अलविदा कर दिया। बच्चों को शौक होता है गेम्स खेलने का, गेम्स खेलते रहते हो, ये आप उनके जितने भी इनपुट्स हैं इनको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वाले गेम ज़रूर करने दे, लेकिन ये जो वीडियो गेम्स होते हैं, मोबाइल पे गेम्स होते हैं, इसको ज़रूर आप लॉक करिए, इसको वॉच करिए, पर्टिकुलर इस टाइम के बाद, आफ्टर गेटिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर गेटिंग द एडमिशन जो करना है करिए, यू आर फ्री टू इन्जॉय। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने बच्चे की नींद पे ज़रूर नज़र रखिए, बच्चे टेंशन के कारण बहुत कम सोते हैं, 3-4 घंटे, अकॉर्डिंग टू मी 7 आवर्स स्लीप इज मस्ट, 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, तो उनको पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को ठीक से सुलाएं, काम एंड क्वाइट। और जब एग्ज़ाम देने स्टूडेंट जाए, बच्चा जाए, आपका बेटा बेटी जाए, तो उसको हैप्पीली विदा करिए, विश करिए, उसको छोड़ना है एग्जाम सेंटर तक जाइए, उसको गुड लक करिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। 2 साल पहले से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, 2 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक, ये सब ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। गुड लक।